भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर गर्व लायंस और आरएचआईएम के बीच टॉस हुआ। कैप्टन निशांत वर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले गर्व लायंस ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 187 रन बना दिए और दूसरी पारी में आरएचआईएम की टीम ने 177 रन बनाए। 19.4 ओवर में 10 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा प्रदर्शन डॉक्टर जतिन ने शानदार 46 रन 33 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के मारे। प्रदीप राठौर ने 41 रन 26 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का मारा। रमन सिंह ने 35 रन 22 बॉल में बनाए। वहीं बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन प्रवीण सिंह ने अपने 3.4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। अजय ने अपने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। अक्षय गालव ने 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। इस फाइनल मैच में गर्व लायंस 10 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच डॉक्टर जतिन रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और विनर ट्रॉफी कैप्टन निशांत वर्मा ने उठाई। दूसरा मैच डेथ क्राउन और सुपर 11 के बीच हुआ। टॉस डेथ क्राउन के कैप्टन कनिष्क ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। डेथ क्राउन ने 20 ओवर में 176 रन 8 विकेट खोकर बनाए। वहीं दूसरी पारी में सुपर 11 ने 19.3 ओवर में 178 रन 6 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा परफॉर्मेंस कपिल चौधरी ने शानदार 43 रन 22 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का मारा। विकास सहरावत ने 32 रन 20 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके मारे और 2 छक्के मारे। सहरावत कनिष्क ने 26 रन 9 बॉल में, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के मारे। वहीं बॉलिंग में शानदार अमित ने अपने 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए। मुकेश के आर ने अपने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट लिए। योगेश पांचाल ने 4.0 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। इस मैच में सुपर 11 4 विकेट से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच अमित रहे, जिन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया।